शफक, क्या हुआ? किसकी कॉल थी? आज़र के। सच में आज़र भाई की कॉल थी? क्या कह रहे थे वो? क्या कहेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, सुलह करने के लिए कहते हैं, जैसे उनका गुनाह इतना छोटा है मैं उन्हें बहुत आसानी से माफ कर दूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हंजी का सहार टूट चुका है, वो हंजी के जाल से निकल चुके हैं। शफक जी, लगता तो ऐसा ही है। मैं जानती हूँ शफक कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, मगर तुम्हें नहीं लगता कि एक बार आज़र भाई की बात तो सुननी चाहिए? नहीं भाभी, जो फैसला मैंने कर लिया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। बात सिर्फ मेरी मैरिड लाइफ की नहीं थी, आज़र मेरी मोहब्बत थे, मेरा मान थे। मजाक उड़ाया मेरी मोहब्बत का उन्होंने। उनका कसूर इतना छोटा नहीं है जो मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं। वो आएंगे, लेकिन आप प्लीज सबसे कह दीजिएगा कि उनकी बातों में आके मुझे कन्विंस ना करें, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। शफक, मगर मुझे समझ नहीं आता कि मर्द का कसूर सामने होते हुए भी औरत से क्यों कहा जाता है कि उसे माफ कर दे। उसकी हर शर्मनाक हरकत को भुला के उसे अपने सर का ताज बना ले। मजबूरी है शफक, ये माशरा मर्द का माशरा है। और मर्दों ने औरत को मुनाफिक बना दिया है। वो अपनी सारी शिकायतें, सारी नफरतें अपने दिल में दबा के मर्द को सिर्फ यही एहसास दिलाती रहे कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसकी इज्जत करती है। तुम ठीक कह रही हो, औरत को मकार, मतलब परस्त और मुनाफिक बनना पड़ता है। मर्दों के इस माशरे में उसे इजाजत नहीं कि वो सच बोले। तुम्हारी मेहरबानी है, जिंदा है। यार कामरान, I'm really sorry है। मैं जानता हूं मैंने शफक के साथ, तुम सबके साथ बहुत ज्यादती की। अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूं मैं। मुझे लगा था शायद तुम मेरी दोस्ती का ही लिहाज कर लोगे, लेकिन तुमने तो वो भी नहीं किया। हाजिर था नहीं यार, मुझे क्या हो गया था, मैं इस औरत की बातों में आ गया। I'm sorry. कोई और कहता तो शायद उसकी बात पर यकीन ना आता मुझे, तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हाजिर आज जिस दौराहे पर तुम खड़े हो वहां कभी मैं भी था। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब मंगनी हुई थी मेरी, एक लड़की का जिक्र करता था मैं तुमसे। कौन? लड़की अंजी थी।
उसने अपनी बातों में बहला कर फुसला कर मुझे भी उसी रास्ते पर लगा दिया था जिस पर आज तुम लगे हो। यार मैं उसकी बातों में आया, शफक की मोहब्बत पे भरोसा नहीं किया, उसका मान तो नहीं। यार मैं शफक से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं बार बार उसको कॉल कर रहा हूँ लेकिन मेरी कॉल रिसीव नहीं। प्लीज काम कर, यार एक दफा मेरी उससे बात करना। मैं उससे बात तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुमसे बात करेगी। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है आज़र, उसके बाद मैं बहुत दुखी है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, गुनाह किया, लेकिन मैं शफक की मोहब्बत को भी जानता हूँ। मैं उसे माफी मांगूंगा, बार बार मारूंगा तो माफ कर देगी मुझे। यार कामरान, मैं तेरे साथ घर चल सकता हूँ? अबू से बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सबका सामना करना बहुत मुश्किल है मेरे, लेकिन गलती की है गुनाह की है तो सामना तो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप कब आई? वालेकुम सलाम, बस थोड़ी देर पहले। ये मिठाई आप लाई है? मैं लेकर आई। भाई आपा ने हसान का रिश्ता तय कर दिया। अरे वाह माशाल्लाह, लेकिन खाला ये गलत बात है, मैंने आपसे कहा था कि हसान भाई के लिए लड़की देखने मैं भी जाऊंगी। अरे बेटा इस बात की नौबत ही नहीं आई, वो बच्ची जो है इनकी देखी भाली है, इनकी कॉलीग की बेटी है, पहले से जानती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो मेरी कॉलीग की बेटी है और बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा हमें कब मिलवा रही है? जब तुम चाहो। वैसे तो मैंने सोचा है कि हसान के जिम में भी जाने से पहले उसका निकाह कर दूं, लेकिन अगर तुम पहले मिलना चाहती हो तो जब तुम कहोगे हम चले चलेंगे। क्यों बेटा इरम, तुम भी चलोगे ना हमारे साथ? क्यों नहीं आंटी, जरूर। वैसे हसान भाई हैं कहाँ पर? बेटा वो मुझे यहाँ ड्रॉप करके किसी काम से गया है, अभी आएगा मुझे लेने। बस ठीक है, फिर तो उनकी खैर नहीं। अरे बेटा वो शफक का मुंह तो मीठा कराओ। हाँ मैं तो भूल ही गई। शफक आया भाई आया। आप यहां? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? देखिए अभी राबिया घर पे नहीं है, आपका आना मुनासिब नहीं। अरे अरे अब बहुत दूर से आ रही हूं मैं, एक ग्लास पानी पिला दें प्लीज। अच्छा रुके मैं अभी लाता। अरे आप तो मेरा हाल ही नहीं पूछ रहे। पूछेंगे नहीं मुझ बेचारी पर क्या बीत रही है। पहले तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए, मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दे रहा। आप खुद बताएं एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? बच्चे तो आपने खुद छोड़े थे। अच्छा तो ये कहानी सुनाई है आफताब ने आपको और आपने यकीन कर लिया? आप खुद मुझे बताएं एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? जानते हैं कितनी कॉल्स की मैंने उसे,
इतनी कॉल्स की, इतनी मिन्नतें की, पर उसने मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई। और पता फिर क्या किया? तलाक भिजवा दिया मुझे। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी तो। बताए मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देखें, मैंने आपसे कहा ना कि मैं यहाँ अकेला हूँ, आपका आना मुनासिब नहीं है। चली जाऊंगी मैं। मैं तो बस आपसे एक बात कहने के लिए आई थी। खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। इनकार मत कीजिएगा, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ, अगर आप आफताब से कहेंगे तो मुझे मेरे बच्चों से जरूर मिलने देगा। देखें, राबिया आ गई है, आपने जो कुछ भी कहना हो इससे कह सकते। मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं, मेरा कसूर बहुत बड़ा है। सोचता हूं तो खुद पे गुस्सा भी आता, खुद को सजा देने का दिल भी चाहता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शफक मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझसे दूर है क्या अजियत में, मैं उसको मजीद दुख नहीं देना चाहता। मुझे मेरे खातिर नहीं तो शफक की खातिर माफ कर दे। वो आज़र बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत शर्मिंदा है, पछता रहा है जो कुछ भी इसने किया। और वैसे भी वो शफक से खुद माफी मांगने के लिए तैयार है। सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमारे बच्चे अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, इससे बढ़कर माँ बाप को और क्या चाहिए? अतः आज़र अपने किए पे पछता रहा है, आप भी इसे माफ कर दें। नहीं, ये हमारा नहीं, हमारी बेटी का मुजरिम है। अगर शफक इसे माफ कर देती है तो सोचा जा सकता है, लेकिन अगर शफक ने तुम्हें माफ नहीं किया तो फिर हम उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं शफक को जानता हूं, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, माफ कर देगी मुझे। बहुत आस लेके आए हैं शफक, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर आ कैसे गए। आस, और आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आस लेकर आए हैं? कहते हैं जब सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं रहता शफक। मुहावरा मजबूर औरतों के लिए है, क्योंकि औरत की भूल तो मर्द कभी माफ नहीं करता। खुश रह लोगी आज़र भाई के बगैर? खुश, खुशी का एहसास तो मेरे दिल से उसी दिन मिट गया था जिस दिन आज़र ने मुझे मेरे घर से धक्के देके निकाला था।
ये भी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में हूं। वो दर्दनाक लम्हा मेरी आंखों से नहीं जाता। तुम ठीक कह रही हो शफ, मैंने जो सलूक तुम्हारे साथ किया, जिस इस तरह तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारी मोहब्बत पे शक किया, तुम्हारे ईगो को कुचला, वो सब काबिले माफी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो, बामुराफत बावफा। मुझे मायूस लौटाना तुम्हारे लिए आसान नहीं हो, लेकिन शफा मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती। तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत को ठुकराना आसान नहीं होगा, यकीन है मुझे। आज नहीं तो कल मुझे जरूर माफ कर दोगी। मैंने आपको माफ किया आज़र। क्योंकि ये बात मैं भूल चुकी हूं कि आपने मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत के बारे में सोचा, उसके साथ शामें गुजारी, उससे मोहब्बत का इकरार किया, उसको पाने की बेकरारी में मुझे मेरे ही घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। आज़र, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको भूल जाने का फैसला कर लिया है। शफा, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। प्लीज प्लीज मुझे तन्हा ना छोड़, माफ कर। अच्छा, औरत साथ थी ना, आपके पास थी ना, अपने दिल से पूछे आज़र, क्या लगता है आपको, आपका ये जुर्म माफी के काबिल है? नहीं है शफा, हरगिज नहीं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं और यकीन है मुझे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। प्लीज प्लीज अब ये मुमकिन नहीं आज़र। क्यों ना रोए ये नैना दिल, क्यों ना रोए, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। दिल ये खुद से खफा है, खुद ही ये रोए। शफक बस किसी शफक से है मेरी बदनसीब बच्ची, पता नहीं किसकी नजर खा गई। अंजी, अंजी मैं तो समझती थी तो अपने घर में बहुत खुश मुतमईन राज कर रही है। कैसा राज अम्मा, शादी के बाद मैंने ये अरसा से गुजारा जैसे मैं किसी कैद में हूँ। इतना जालिम इंसान मैं हूँ,
उसने मुझे मेरे बच्चे भी छीन लिए मुझे। हाय बेड़ा कर रखो उसका मक्कार है, मर जाए कम वक्त खुदा पूछेगा तुझसे, खुदा गारत करेगा। खेलो अंजी पानी पी। कौन ने खिला देती, मेरा दिल घबरा रहा है इतना। अंजी तुम परेशान नहीं, वो तुम्हारे बच्चों को तुमसे नहीं छीन सकता, कानून भी उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। खुदा के लिए चुप हो जाओ। लुबना तूने बहन के लिए बिस्तर लगाया, देख मेरी बच्चे कितनी दूर से थकी हुई आई है। जी हम भी लगा दिए। चल चल मेरी बच्ची जा, आराम कर। लुबना आप लेके जाओ। जा, जा मेरी जा। ये बस करो ना, तबीयत खराब हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। क्या ठीक हो जाएगा बात? मेरी बच्ची कैसे हंसती खेलती बर्बाद होके उजड़ के घर आके बैठ गए। अच्छा ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बस करें। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो, बामुराफत बावफा। मुझे मायूस लौटाना तुम्हारे लिए आसान नहीं हो। मैं जानता हूँ मेरे तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। प्लीज प्लीज मुझे तन्हा ना छोड़, माफ कर। नहीं आज़र, मैं आपको माफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं आपको माफ। अब मुझे इस माहौल में रहना होगा। हाय अल्लाह मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं तो अब इस लाइफस्टाइल की आती भी नहीं रही। नहीं मैं दोबारा खुद को इस माहौल का हिस्सा नहीं बनाऊंगी। आज़र ने मिला तो ना सही, उसके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करूंगी अब मैं। वैसे भी मेरे लिए मर्दों की कमी थोड़ी है, बस थोड़े दिनों की बात है। कुछ दिन गुजार लें अंजी, कुछ दिन। ये लुबना बता रही थी माजिद का कारोबार बहुत चल निकला है, हमारे बराबर में जो ऊंचा सा मकान खड़ा नजर आ रहा है वो माजिद का है। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, माजिद और उसकी वो बदशक्ल बीवी, उसे माजिद के दिल से उतारने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर वो आज़र का घर, गाड़ी और वो सब कुछ, कबख्त अफजल सारा काम खराब कर दिया। जी तो जाता जान से मार दो, बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरा। अम्मी 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 क्या हुआ बेटा? खैर तो है बेटा, मैं इरम और कामरान को उठाती हूँ, अस्पताल जाना पड़ेगा हम लोगों को।
अम्मी बेटा मैं आई। अम्मी अम्मी सुने आजर आ रहा है ना? हाँ फोन पे बात हुई है और वो डॉक्टर कह रहे थे कि उसके सिग्नेचर की भी जरूरत है। कुछ बता भी नहीं रहे ये लोग। मैडम आपको जल्दी से ब्लड अरेंज करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफ़क़ कैसी है? बेटा ये लोग कुछ बता नहीं रहे, बस इन्होंने ये पर्ची दी है कि ब्लड अरेंज करना है और तुम्हारे दस्तखत भी चाहिए। तुम जल्दी से आके रिसेप्शन से दस्तखत कर लो। आ जाओ। मुबारक को बेटी हुई है। पेशेंट कैसी है? वो अभी होश में नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, मेडिसिन का असर है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। बेटा तुम्हें मुबारक हो, बहुत बहुत। आपको भी मुबारक हो। काश शफक हमारी बेटी की खातिर मुझे भी माफ कर दे। शफक ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, देखो मुझसे भी बहुत प्यारी है। बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। शफक आजर कई बार हॉस्पिटल आ चुका है, वो अपनी बेटी से भी मिल चुका है, वो चाहता है कि तुमसे सुलह हो जाए। वो चाहता है बेटा कि वो अपनी बेटी को मुकम्मल और पुरसुकून घर दे। जानती हूँ, वैसे भी अपनी औलाद को लेके हर बाप बहुत हसास होता है। देखो बेटा मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि तुम भी कसूरवार हो। अम्मी मैंने क्या किया है? देखो बेटा अपने शौहर के सामने कभी भी किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करनी चाहिए और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुमने आजर के सामने अंजी की बेपना तारीफें की होगी। और जो मैं कह रही हूं ना बेटा उस पर गौर करो। पूछती हूँ कब घर का काम समेटोगी और कब सौदा लेके आओगी, कब हम खाना खाएंगे? भाभी सर में दर्द है मेरे, बहुत तबीयत खराब है मेरी, तारिक से कह देती हूँ वो सौदा ले आएगा। हाँ हाँ तारिक तो तुम्हारा नौकर है ना, सौदा वो ले आएगा, पका मैं दूंगी। देखो बीबी अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी, वरना दो मिनट में ना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझी? बहाने नहीं बना रही भाभी, सर में दर्द है मेरे, मैं जल्दी जल्दी काम समेटो और सौदा लेके आओ, रोज के ड्रामे हो गए तुम्हारे तो।
एक प्याली चाय तो पिला दो आप ही, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाय लव, आपके सर में दर्द हो रहा है और ये आपकी आपा मोहतरमाना आपको बाजार भेजने के चक्कर में लगी नहीं है। भाई बाजार बाजार तो मैं कहीं नहीं जा रहा, बाजार तो आपको खुद ही जाना होगा। और हाँ चाय लेते आना। सुनो मूवी लगा इकट्ठे देखते हैं। सही, जल्दी से काम समेटो, ड्रामा क्वीन ना हुई तो। चलो भाई अभी तीन गोले और बाकी हैं। आप लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है, कामरान भाई अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पे आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अरे ये फिर तो बहुत मजा आएगा ना बाबा। और हम खूब घूमे फिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल घूमेंगे हम। आज़र आपने बच्चों को बताया नहीं कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? सच बाबा? बिल्कुल सच। फिर तो हम आइसक्रीम भी खाएंगे और मैं एक पिंक वाली फ्रॉक भी लूंगी। अरे पिंक वाली क्यों, आप व्हाइट वाली भी लीजिएगा। चले हम जाएं, जल्दी से जाके तैयार हो जाएं, भाई को भी देखें। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज जो हमारी जिंदगी में खुशियां इत्मीनान और सुकून है वो सिर्फ तुम्हारे दम से। आपका इतराफ मेरा इनाम है आज। आप बच्चों को लेके जाएं, मैं आती हूं। क्या मेरे बच्चों से मुझे मिल तो लेने दो थोड़ी देर के लिए, मेरे बच्चे हैं वो। मुझे तुमसे हमदर्दी है लेकिन अब बच्चों की पर्सनालिटी को कोई डैमेज भी तो नहीं किया जा सकता, वो भूल चुके हैं तुम्हें और खुश हैं अपनी दुनिया में। तुमने अपनी जन्नत अपने हाथों बर्बाद किया। जो ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, औरत नहीं दायन हूँ मैं। मैंने समझा ही नहीं कि मेरा घर तितली के पर की तरह नाजुक था,
اس کے رنگوں کو قائم کرنے کے لیے لہو دینا پڑتا ہے، تب جا کے باہر آتی ہے۔ میں نے تو سب برباد کر دیا۔ ماما آپ کا سب انتظار کر رہا ہوں۔ آ رہی ہوں بیٹا۔ سنو، تمہاری اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ Thank you.